तो आज हम बात करने वाले अमोक्सिक्लेव 375 के बारे में, इसका क्या डोज हो सकता है, कब आपको डॉक्टर से प्रेस्क्राइब करते हैं, किस लिए करते हैं, जब आप लेंगे तो क्या साइड इफेक्ट हो सकता है, क्या बेनिफिट्स मिल सकता है। तो अगर आप पूरी जानकारी रखना चाहते हैं तो वीडियो के अंत तक बने रहें, और अपडेटेड रहना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो अमोक्सिक्लेव 375 एक एंटीबायोटिक है। इसके अंदर जो मॉलिक्यूल है अमोक्सिसिलिन 250 mg और क्लालिनिक एसिड 125 mg, दोनों ही एंटीबायोटिक है, बैक्टीरिया को किल करते हैं। तो इसका इस्तेमाल आपको तभी किया जाता है या तभी आपको डॉक्टर इसे रिकमेंड करते हैं जब आपको यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन हुआ है बैक्टीरियल, जिसमें जैसे कि कान नाक गले में कहीं बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ है, जैसे आपके दांत में बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ है, या जैसे आपको जो रिसेंटली कोई आपका ऑपरेशन हुआ है तब इसको दिया जाता है, या जैसे कि आपको टाइफाइड फीवर वगैरह रहता है उस समय भी डॉक्टर इसे देते हैं, या जैसे कॉमन कोल्ड हुआ है जिसके अंदर आपको सेकेंडरी इन्फेक्शन ना हो तब दिया जाता है, या कोई अदर मेडिसिन आपको चल रही थी जो वर्क नहीं कर रही थी तब इसे दिया जाता है, जैसे एंटीबायोटिक। इसमें जो कि क्लावलिनिक एसिड है ये जो कि रेजिस्टेंस बैक्टीरिया को किल करता है, और अमोक्सिसिलिन जो कि बैक्टीरिया को किल करता है, ये जो उसके उसके कवरिंग को ओपन करके किल करते हैं, जिसके वजह से ये जो कि काफ़ी सक्सेसफुल ब्रांड रहता है और ये मॉलिक्यूल काफ़ी सक्सेसफुल है। तो अमोक्सिक्लेव जो 375 जो टैबलेट है, इसका जो डोज रहता है वह ट्वाइस डेली रहता है, मॉर्निंग और इवनिंग। अभी जो कि 5 दिन का कोर्स हो गया, पहले 3 दिन का कोर्स रहता था, अभी 5 दिन का कोर्स हो गया है। तो जब आपको जैसे कि ऑपरेट हुआ रहता है या जैसे कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन कहीं भी हुआ रहता है तब इसे डॉक्टर देते हैं। अगर आप इसे यूज करना चाहते हैं तो एक बार डॉक्टर से जरूर इसके बारे में डिस्कस करें, अमोक्सिक्लेव 375 के बारे में, उसके बाद ही आप इसे लें। अगर आप खुद से लेते हैं बिना डॉक्टर की सलाह से लेते हैं तो हो सकता है कॉमन साइड इफेक्ट देखने को मिलेगा, आपको उल्टी आ सकती है, जी मचला सकता है, अपचन हो सकती है, भूख कम लग सकती है, डायरिया हो सकता है। तो मोस्टली अपचन इसका जो मेन रीजन रहता है कि कोई भी आप एंटीबायोटिक यूज करते हैं तो उसकी वजह से आपको पेट में गैसेस अपचन होती है, तो उसके साथ में आप कोई पीपीआई वाला प्रोडक्ट यूज करें जिसके वजह से आपका ये जो समस्या वह दूर हो जाए। इससे खाने से पहले कोई पीपीआई वाला प्रोडक्ट खाना चाहिए, जैसे कि आप खाना खा रहे हैं उसी समय ले लें, उसके कुछ टाइम बाद इसे लें। अगर आप इसे लेना चाहते हैं तो खाना खाने के बाद लें तो मोस्ट आपका जो रिजल्ट रहता है काफ़ी अच्छा मिलता है, और आपको जो थोड़ा बहुत चक्कर जैसा महसूस होता है इसे लेने के बाद तो वह नहीं होगा, क्योंकि आपको जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट रहती है वो कम रहेगी तो आपको होगा। तो अगर वीडियो में दी गई इन्फॉर्मेशन आपको जरा सा भी इन्फॉर्मेटिव लगी है तो एक लाइक कर दीजिएगा, आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप लाइक करते हैं तो मुझे बहुत सारा इनकरेज मिलता है ताकि मैं और भी आपको अपडेटेड रखूँ नई नई मेडिसिन से जुड़ी जानकारी से।